बीसीसीआई से बगावत, ईशान और श्रेयस को पारा भारी, तीन तीन नए युवा खिलाड़ी का चमक गया किस्मत। जी हां, तो बीसीसीआई ने नया कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नामो निशान नहीं है, ना तो ग्रेड ए में है, ना तो ग्रेड बी में है, ना तो ग्रेड सी में है, कहीं भी दोनों खिलाड़ी का नामो निशान नहीं है। तो वहीं पर कई युवा खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। ईशान किशन को जो साउथ अफ्रीका का दौरा हुआ था, टेस्ट सीरीज का जो दौरा हुआ था, उसमें उन्होंने मानसिक थकान के चलते बहाना बनाकर टीम से बाहर हो गई थी, जिसके बाद श्रेयस अय्यर को भी एनसीए ने फिट बताया था और बीसीसीआई ने उन्हें कहा था कि जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आइए, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो रणजी ट्रॉफी चल रहा था उसमें उन्हें खेलने के लिए कहा गया था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने घुटने की चोट बताकर जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले और जो है इधर उधर करते रहे, जिस कारण से बीसीसीआई उनसे खफा होकर दोनों को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है और नए खिलाड़ी को जो है उनके जगह पर शामिल किया है। भारतीय टीम का जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी किया गया है उसका एक पैमाना है। जी हाँ दोस्तों, एक पैमाना सेट किया गया है जिसके जरिए ही कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम खिलाड़ी का शामिल होता है, जिसमें जो है तीन टेस्ट मैच खेला होना चाहिए या 10 वनडे या 10 T20 मैच। जो खिलाड़ी इतना खेलेगा, तीन टेस्ट खेला हो या 10 वनडे खेला हो या 10 T20 खेला हो, तभी उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन ये दोनों तो खेले नहीं थे, इसलिए ये दोनों को बाहर कर दिया गया है। वहीं पर ध्रुव जुरेल और सरफराज खान को भी अब कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि सरफराज खान और ध्रुव जुरेल जो है दो दो खेल चुके हैं, अभी इनको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये दोनों दो दो टेस्ट मैच खेल चुके हैं और पांचवा जो टेस्ट मुकाबला खेला जाना है 7 मार्च को, अगर उसमें शामिल कर दिया गया प्लेइंग 11 में, तो फिर से इन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कौन कौन से खिलाड़ी को शामिल किया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के बात करिए तो चार कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, यानी कि ये चार कैटेगरी में बांटा गया है। तो ग्रेड ए प्लस में जो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा हैं। वहीं पर ग्रेड ए के बात कर ली उसमें रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, सुमन गिल और हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। और ग्रेड बी के बात करें तो ग्रेड बी में सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। और ग्रेड सी के बात करें तो ग्रेड सी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस वरद, प्रसिद्ध कृष्णा, आविश खान और रजत पाटीदार को शामिल किया गया है। तो ग्रेड सी में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो इतने खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।